सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर हाजिर हैं हम आप लोगों के साथ। और आज भी हम पेंसिल शेडिंग का कुछ वर्क करेंगे, जिसको समझेंगे, जो रेगुलर में आप लोग यूज़ करते हैं, आप सभी यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। और सबसे इजी, मुझे स्पेशल कहा गया है और वीडियोस को देख के लोगों ने जो रिकमेंडेशन की है कि थोड़ा ईजी बनाएँ और ऐसी चीज़ें बनाएँ जो छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक हमेशा चलती है। ऐसी चीज़ों को बनाया जाए और प्रॉपर बना के दिखाए, तो लोगों को जो अब पसंद आ रहा है वो यही पसंद आ रहा है कि जो चीज़ें मैं प्रॉपर इजी वे में बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने इतने तय दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आज भी मेरा कुछ ऐसा ही मन है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि आप कुछ सीख पाएँ रेगुलर बेसिस पे, क्या गलती होती है, और कभी भी कुछ भी ऐसा कोई स्टिल लाइफ बनाना हो तो ईजिली बना सके। तो आज हम एक स्टिल लाइफ बनाने वाले हैं, सबसे कॉमन आपने जो देखा होगा, जैसे हम कहते हैं बुक के ऊपर आपने ग्लास देखा होगा, कप देखा होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनता है और आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी ये शीट है, इसके ऊपर हम मैं इस तरह से कुछ बनाता हूँ जब भी बुक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो तीन ऐसे मैं हाफ सर्कल ले लेता हूँ और आपस में इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कैसे बनाते हैं, तो ये इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये कई बार क्या होता है कि ऊपर कर देते हैं कुछ बच्चे या बहुत नीचे कर देते हैं, तो इसको ना पैरेलल रखना है। आपको ये लगना चाहिए कि जब आप इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो इसको बीट ना करे, वो इसके ऊपर एक्चुअल में समझ आए कि हाँ वो रखा हुआ। जैसे मैंने ग्लास की शेप दी है, इसको हम मग टाइप कुछ बना सकते हैं ऐसे। ये सब तब पॉसिबल है जब जो चाहे बना दें, जब आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। अब इसमें आप चाहे तो कलरिंग भी कर सकते हैं, शेडिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको शेडिंग करके दिखाऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक ब्रश ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं, कितना बनाना चाह रहे हैं। या एक पेंसिल हमने इसमें ऐड कर दिया, कुछ भी आप इसमें इंडोल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर चॉइस पर चीज़ें रुकती हैं। तो ड्राइंग आपकी ठीक करने के लिए सबसे पहली वीडियो ज़रूर विजिट करें और उसे देखें। शेडिंग जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि हमेशा ऊपर से करें, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप एक टाइम में ही कंप्लीट शेडिंग को फाइनलाइज कर सकते हैं, शेडिंग की प्रैक्टिस करने के बाद। नहीं तो आपको लेयर में करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। आज मैं इस वीडियो में आपको मैं फाइनल ही करते हुए दिखाऊँगा, जिसमें कि जस्ट फर्स्ट टाइम चीज़ों को हमने पिक किया, फर्स्ट लेयर, सेकंड और थर्ड में कंप्लीट कर दूंगा। मीन्स हम बाद में इस पर लेयर वाइज काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ताकि हमारी वीडियो जल्दी बने। आप इस बात को समझिए कि प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं और अपनी आर्ट को और जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेडिंग ऐसे शुरू की और दैट्स इट। वन टाइम में कैसे ख़त्म हो जाती है शेडिंग। लेयर में भी आप जा सकते हैं कि आप पहले लाइट लाइट करें फिर धीरे धीरे डार्क करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कि आपको शेडिंग में लाइट और डार्क का, टोन का जो फ़र्क है वो आपको पता हो। अगर आपको टोन का फर्क पता है तो आप इजीली उसको हैंडल कर लेते हैं। आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे शायद और सीखने की ज़रूरत है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए कि कहाँ डार्क करना है, लाइट करना है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना था, जो स्टार्टिंग मैंने आपसे लाइटिंग की बात की, लाइट हमें इधर से ही इमेजिन कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है ताकि हमारी जो शेडिंग है, ड्राइंग है, वो बेहतर लगे, सुंदर लगे, देखने वाले को अच्छी लगे। जब आप फिजिकली बना रहे हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही रहती है सबसे ज़्यादा, कि हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं ड्राइंग पेंटिंग में। और पेंटिंग और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पेशेंस बहुत चाहिए, आपको पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ना होता है। मैं इसको फर्स्ट लेयर में कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सेकंड थर्ड तक लेके जाए। मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं एक ही बार में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ऐसा ना करें। पीछे की जो लाइन थी उसको मैंने इरेज नहीं किया, ऐसे ही एज इट इज़ हाइड कर दिया इसे शेडिंग करके। ऊपर सिर्फ हमें लाइट लाइट ही शेडिंग रखनी है, क्योंकि लाइट हमारी इस तरफ से है। इस तरफ हल्का सा डार्क करेंगे, प्लस ये शेडो का इफेक्ट जरूर देंगे, तो थोड़ा सा डार्क होगा। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर हम इस तरफ
शीट्स बना रहे हैं, मीन्स पेज हमने इधर इमेजिन करना है, तो मैं क्या करता हूँ फिंगर रख देता हूँ यहाँ पर, ताकि मेरा जो फ्लो है पेंसिल का फ्लो स्ट्रोक कह सकते हैं वो प्रॉपर रिलीज हो और वो फील आए कि हाँ पेजेस हैं। बाद में मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि यहाँ से कवर अप हो जाए ऐसे, और यहाँ पर ये देखिए लाइट लाइट ही रखा है यहाँ पर, क्योंकि पेजेस दिखा रहा हूँ मैं, शीट दिखा रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट इसको भी डार्क कर देते हैं, और हल्का हल्का यहाँ पर ड्राइंग मैंने कर दिया, ये लाइन में शेप दे दिया एज इट इज। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करूँगा, ऐसे कोशिश करें बहुत ज़्यादा डार्क एकदम से ना करें, लाइट ही रखें, बाद में उसको सेटल डाउन करें, क्योंकि हम देखें बाद में तो कर सकते हैं ना ऐसे, और इसके बाद बेस हम बना सकते हैं। बेस के लिए हम चाहे तो कोई ऐसे कपड़ा का लुक दे सकते हैं, हम ऐसे पेंसिल को शार्प रखें दो चार, ताकि आपकी जो शेडिंग है वो रफ ना लगे ज़्यादा, ठीक है। हमने इधर से एक कपड़े का लुक दे दिया और ऐसे हमारी शेडिंग उसको और ब्यूटीफाई करेगा, वो स्ट्रीट लाइफ का प्रॉपर लुक देगा। ये हमारा हैंडल रह गया था, हम इसको अब बाद में कर रहे हैं ऐसे। अभी भी जो हम शेडिंग कर रहे हैं वो एक स्टूडेंट रेंज की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली डिटेल में हम चीज़ों को नहीं जा रहे। आप इस वीडियो को देखकर कोई भी क्लास में है, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में इजीली बना सकते हो, और ये आपने देखा होगा रेगुलर चलती है, सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ तक ये वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप स्ट्रील लाइफ को बनाना चाहेंगे। क्योंकि देखिए जब बनी हुई आप कोई फ़ोटो देखते हैं ना, तो आपको ये एनालाइज करना ही मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे बनाया था उसको या किस तरह से किया था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब देखिए कोई डिश बनी हुई है, सपोज कोई रेसिपी बनी हुई है, कोई मिठाई बनी हुई है, और मैंने उसे नहीं देखा कि कैसे बनी है, तो मैं उसको एज इट इज कॉपी नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत क्लियर है। कोई भी मिठाई, कोई भी रेसिपी, कोई भी खाना बना हुआ है, आप समझिए कि परोस रखा है मेरे सामने, और उसको मैं देख के एज इट इज कैसे बना सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब हो सकता है जब मैंने उसको जीरो टू एंड बनते हुए देखा हो, फिर भी मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि 50% सेम बन जाए, 100% तो सेम नहीं बनेगा, बट 50% की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं अगर मैंने बनते हुए देखा है। तो इसी कारण से मैंने जो आपको बना के दिखाया है, आप 100% नहीं भी बना पा रहे हैं तो 50% तो बना ही लेंगे, और एटलीस्ट जब आप 50% एक बार में बना लेंगे तो वो प्रैक्टिस के बिहाफ पे चीज़ें इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो कि आपने इसको पूरा देखा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे पेंटिंग्स, ब्लॉग्स, वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।